लोग आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हमारा बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज दिन का समय हम आपका चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने हमें मदद किया। प्रभु जी पिछले 11 महीने इस साल का आपने हमें संभाला। इसी प्रभु जी आखिरी महीने का प्रभु जी शुरुआत का संडे में आपका चरणों में आकर वचन सीखने के लिए शुरू करने के लिए आपने हमें मदद किया प्रभु जी। अच्छा सा प्रभु जी ध्यान से प्रभु जी पढ़ने के लिए प्रभु जी सभी को सहायता करना, प्रभु जी पढ़ने के लिए बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी। हाँ भैया, वचन का ज्ञान सभी को देना प्रभु जी, सिखाने के लिए आपने मुझे भी बुद्धि देना, ज्ञान देना अवश्य करना प्रभु जी। आई बात जितने भाई बहन लोग बच्चे लोग सभी को आपका सामर्थ हाथ में सौंपते हैं, आप आशीष दे अनिग्रह दे प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का मीठे नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। आज दिन का समय इस प्रकार एक बाइबल स्टडी का रूप से परमेश्वर का उपस्थित में आने के लिए परमेश्वर ने हमें भी सहायता किया। और आज दिन का समय वह सारी सारा भाई बहनों को बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आज दिन का समय हम बाइबल का स्टडी शुरू करेंगे। एक्चुअली हम बाइबल स्टडी नहीं करेंगे, आपको जो जो कुछ नोट्स है आप खुद लिखेगा तो मेरे ख्याल से सही है, बाकी जितना रेफरेंस वगैरह है मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली हम लोग बाइबल सीखने का काफ़ी मतलब है, मकसद है। और आज हम देखेंगे क्या बोलते हैं बाइबल, बर्ड्स आई व्यू टू बाइबल। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, एक चिड़िया का नज़र, मतलब बाइबल के एक एक चैप्टर में सब लोग नहीं सीखेंगे, क्या बोलते हैं ओवरऑल बाइबल का बारे में हम सीखेंगे, ताकि ओवरऑल बाइबल के बारे में जब पढ़ने के बाद फिर हम बाइबल पढ़ेगा तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेगा। आपने बर्ड्स जो कभी आजकल ड्रोन है, ड्रोन जानते क्या है, ड्रोन को जो ऊपर जाएगा तो उसका जो कैमरा इमेजेस देखा है ड्रोन ऊपर जाने के बाद कैमरा इमेज देखा है, देखने के बाद नीचे का ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा, मगर एक एक विषय के बारे में नहीं है, ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा। पिछले दिन हमारा केरला एक मलयाली एक लड़का है, एक यूट्यूब चैनल चला रहे, क्या काफ़ी सब्सक्राइबर है M4 टेक का, वो एक दिन ऐसे कि हाइड्रोजन बलून में क्या करके कैमरा वगैरह काफ़ी हाइड्रोजन बलून था 300 से ज़्यादा हाइड्रोजन बलून जानते हैं ना, गुब्बारा हाइड्रोजन लगा के उसका अंदर कैमरा वगैरह के भेज दिया और काफ़ी ऊंचा तक गया, कैमरा से जितना पिक्चर आते हैं और उसके बाद 5-6 दिन के बाद और कई जगह पर जाके मिला, मगर उसके बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। वीडियो मतलब एक ऊपर से जो कैमरा मतलब जाता है और नीचे क्या क्या दिखते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। इधर हमारा पास एक व्हील है, मैंने पिछले दिन भी बताया था, कालिंदीगुंज में कभी गए आप लोग, कालिंदीगुंज में एक व्हील है ऐसे जिस मेला में वगैरह जो घूमते हैं उसको सबसे ऊपर जाएगा तो पूरा दिल्ली देख सकते, कभी गया नहीं तो एक बार कभी जाना है, मुझे तो डर है इसका ऊपर जाने के लिए, मगर ऐसे एक व्हील होता है इधर कालिंदीगुंज में है, उसको ऊपर जाएगा तो ऐसे व्हील रोटेट करके सबसे उसको बोलते ऐसे कुछ बेड्स भी ऐसे करके बोलते, आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया थोड़ा सा बाद में समझ में आ गया, जो घूम कर ऊपर जब आके आएगा तो पूरा दिल्ली देख सकते, जैसे हमारे घर का ये छत का ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत जितना आप देख सकते, मगर ये नहीं पता चलते कौन सा घर, समझ में आ गया, समझ आया नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर बैठना ठीक है, कोई सीरियस होकर नहीं बैठना, बिल्कुल फ्री होकर बैठना, समझ में आ गया, मतलब एक ओवरऑल आइडिया बाइबल के बारे में हमें मिले। इसलिए आज हम बाइबल का एक इंट्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं परिचय सबसे पहले हम करेंगे। और अभी हम सीख रहे बाइबल स्टडी नहीं, बाइबल क्या बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू टू बाइबल, बर्ड्स आई व्यू उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप खुद लिख सकते हैं क्या है, पक्षी की नजर, हाँ बाइबल बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं इसमें इंग्लिश में, बर्ड्स आई व्यू इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं पक्षी नजर, ऐसे करो कुछ सिंपल पक्षी की नजर का जैसे हम बाइबल को सीखेंगे। उसके बाद जब हम बाइबल पढ़ेगा तो पिछले बार हम लोग काफी यहोशू का किताब से लेकर जो बाइबल स्टडी बीच में मंगलवार को शुक्रवार को हम लोग करते थे और शमूएल की किताब सब कुछ हम सीखा था, एक्चुअली हम लोग सीखा था बर्ड्स आई व्यू सीख रहे एक एक, मगर हम लोग थोड़ा सा बाइबल स्टडी के रूप से एक एक चैप्टर वाइज किया था, मगर मेनली हमें आज सीखना है बर्ड्स आई व्यू टू बाइबल, मतलब टोटली देखने के समय पर बाइबल क्या है हमें ये आइडिया होना बहुत जरूरी है ठीक है। इसलिए ये बाइबल हम क्यों पढ़ते जानते, किस लिए हम बाइबल पढ़ते आपको आप थोड़ा सा बता रहे, अभी हम क्लास मतलब
आपस में हम शेयर करके ही एक एक बातों को बता रहे हैं। इसमें क्या बेट्स आई व्यू बता दिया क्यों हमें बाइबल पढ़ना, मत्ती 22:29। अब कोई भी खोलना मत्ती 22:29, कोई भी बाइबल खोलना है, कोई भी नहीं, सब लोग बाइबल खोलना उसमें पढ़ बाइबल आ जाती है, तो वहाँ पढ़ा था मैंने क्यों ना मत्ती 22:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। दो ही कर मैंने एक बार पढ़ने बेटा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। दो ही बात इसमें लिखा है, क्या क्या है? पवित्र शास्त्र और वो दोनों आप लिख सकते हैं। बाइबल पढ़ने का मेन रीजन में से एक ही है, मत्ती का सुसमाचार 22:29 में लिखा है। क्या बोला? गॉड्स वर्ड। कोई भी किसी ने इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना, ठीक है, आपका पास कोई इंग्लिश बाइबल है आप इंग्लिश बाइबल भी लेके आना, ठीक है, अगले हफ्ते से आप इंग्लिश बाइबल भी लेके आना ताकि पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। जानते हैं? इस कारण भूल में पड़े हो। क्या इस कारण? भूल में पड़े। आप में से कोई यदि इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ना कोई। But Jesus answered to them, You are mistaken. Not understanding the scriptures. Scriptures मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन। Scriptures का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन। नहीं समझते आगे। Nor the power of God. एक दो ही चीज लोग नहीं जानते, क्या क्या है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य। इसलिए क्या हुआ था? पढ़े नीचे। For in the resurrection, they neither marry. नहीं, गलत बोला। 29. इस कारण? Power of God। नहीं, आगे पढ़े। इसमें तो और नहीं है। कितना ही? इस कारण हिंदी में क्या पढ़ा था? इंग्लिश में वो नहीं है ना? इंग्लिश में वो नहीं। इस कारण क्या हुआ था? कारण बाइबल भूल में पढ़ने का कारण क्या है? दो चीजों का कमी है। क्या क्या है? परमेश्वर का स्क्रिप्चर मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य। ठीक है, देवेंद्र भाई के लिए एक और बताना चाहता हूँ। आज हम बाइबल टोटल एक बाइबल के बारे में सीख रहे हैं, होल बाइबल के बारे में, टोटल एक ओवरऑल ओवरव्यू। ठीक है, ऐसे नहीं एक एक चैप्टर का एक एक शब्द के बारे में नहीं सीखेंगे। बाइट्स आई व्यू करके बोला है, मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, दो ही कारण हमारा लाइफ में हम क्या हो जाएगा? भूल में पड़ेगा। भूल में पड़ेगा मतलब क्या होता है? अर्थ क्या है? भटक जाते हैं। भटकने का दो ही कारण है, वजन नहीं जानते, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते। समझ में आ गया? वजन पड़ने का कारण नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा समझ में आ गया। दो ही कारण से लोग भटक जाते हैं, क्योंकि क्या क्या नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? गॉड्स वर्ड। समझ में आएगा, परमेश्वर का वजन और परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग पढ़े। सिंपल बातों में बोलेगा तो वजन के बारे में और परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए लोग भटक जाते हैं। फर्स्टली हमें समझना, हमें नहीं भटकने के लिए दो ही बात हमें करना भी है। क्या क्या समझना? तो परमेश्वर का वजन और परमेश्वर का सामर्थ्य। केवल वजन समझने से नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य भी जानना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर। दूसरे वचन पढ़ेंगे, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? साम्स 119:18 भजन संहिता 119:18। सब ये आप लोगों को शायद जानता होगा, बच्चे पढ़े। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? हम परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। किस लिए प्रार्थना करना पड़ेगा? क्योंकि हमें दो ही बात समझना, एक तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य को समझने के लिए हम प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु जी मेरा आंखें खोले। किस लिए आंखें खोलने के लिए बोल दिया? परमेश्वर का व्यवस्था। इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना, ठीक है, दोनों बाइबल लेके उठा के और करेक्ट आल्बिन भी लिखना, ये रेफरेंस सब कुछ लिखना, मैथ्यू
हिंदी में अगर कोई समझ नहीं आए तो बोल देना, इंग्लिश में कोई समझ में आएगा तो मुझे बता देना। ये रेफरेंस सबका पास होना चाहिए ताकि हम किस लिए बाइबल पढ़ना है। मेन रीजन है परमेश्वर का वचन का और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है तो हम फटक जाएगा। सिंपल बात है। अभी फटकने वाले किसी को भी आप लेकर देखो, इसी दो चीजों की कमी की वजह से फटक जाते, नहीं तो फटक नहीं जाएगा, क्योंकि वजन जानना है और परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना। पढ़े इंग्लिश में भी पढ़े, ओपन दाउ माइन आईज, ओपन दाउ माइन आईज दैट आई मे बिहोल्ड वंडरस थिंग्स आउट ऑफ द थाई लो। हां, परमेश्वर का उसी व्यवस्था को समझने के लिए मेरी आंखें और आज दिन का समय पहले दिन है, हम लोग क्या प्रार्थना करना, प्रभु मेरा आंखें खोले ताकि मैं ये व्यवस्था को सीख, समझ में आ गया। ये सीखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये मानसिक बुद्धि से सीख नहीं सकते, मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, ठीक है। और हमें सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। लिख सकते हैं यूहन्ना, यूहन्ना का किताब जॉन, यूहन्ना का किताब 14:26 पढ़ेंगे, 14:26 यूहन्ना 14:26 जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। पहले आल्विन रेफरेंस लिख दो, उसके बाद बाइबल खोलेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 कौन हमें सिखाता है, पढ़ेगा? परंतु सहायक, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इतने एक एक करके धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखा है परमेश्वर का वचन का और परमेश्वर का सामर्थ्य का बारे में हमारा जानकारी का नहीं होने की वजह से हम लोग फटक जाते हैं। इसलिए हम दोनों सीखना है, परमेश्वर का वचन को सीखना है और सामर्थ्य को समझने के लिए हम प्रार्थना करना, परमेश्वर प्रभु जी आप मेरा आंखें खोले। जब तक परमेश्वर आंखें नहीं खोलेगा तो हमें समझ नहीं पाएगा। और अगले वचन में लिखा है पवित्र आत्मा अर्थात हमें सहायता करते हैं। आज का जो शुरू करते हैं बाइबल स्टडी को समझने के लिए हमें सहायता करते हैं, कौन है सहायता करता है हमें? कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट हमें सिखाएगा। अभी आज दिन का समय हम शुरू किया और हम प्रार्थना करना, ये हमें लगातार क्लास कंटिन्यू होना, हमें अच्छा सा बाइबल को समझना। सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पास्टर राजेश नहीं, सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। मैं हमें अच्छा सा समझना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई टीचर इस दुनिया में नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं। मगर मैं अभी आपको सिखा रहे इसका मतलब यही है, दो ही बात हमें समझना, आप खुद नोट्स में लिख सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम गॉड डायरेक्टली थ्रू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का द्वारा हम वचन को सीख सकते हैं, परमेश्वर को सीख सकते हैं और परमेश्वर से सीखा हुआ लोगों से भी सीख। समझ में आ गया? समझ में आ गया। दो ही है तरीका है। एक तो हम डायरेक्टली पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर को सीख, वी कैन लर्न फ्रॉम गॉड डायरेक्टली थ्रू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर के बारे में हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या परमेश्वर से सीखा हुआ लोगों के द्वारा हम सीख सकते हैं। हम स्कूल में जाते हैं टीचर से, और टीचर्स हमें सिखाते हैं। वो कहाँ से सीखा? उनका टीचर कहाँ से सीखा? मतलब किसी से सीखा हुआ व्यक्ति भी सिखा सकते हैं। मैं म्यूजिक सिखाता, कीबोर्ड सिखाते, गिटार सिखाते हैं। मेरे पास बच्चे लोग था, अभी क्लास बहुत कम है मगर आते हैं। क्यों? मैं तो सीखा, किसी से मैंने सीखा तभी मैं दूसरे किसी को सिखा। मगर समझना बेस्ट टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है हमें सिखाने वाला, बाइबल में क्लियरली लिखा है, इसलिए वो बातों को सबसे पहले हमें समझना। इतने क्लियर हो गया? अब अपने आप को नोट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक बार और बोलना है तो मैं बोलूंगा, तीन बार बोलना, कितना बार बोलना आप चाहते मैं बोलूंगा, मगर अच्छा से समझना। इतना आपको समझ में आ गया? तीन बात मैंने मेनली बताया, बाइबल का बारे में, वचन का बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से, या तो परमेश्वर का सामर्थ्य का बारे में नहीं होने की वजह से लोग भटक जाते हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरा आंखें आपने, मेरा आंखों को आपने खोलना। और वचन में लिखा सिखाने वाले कौन है? पवित्र। अभी हम पहले भी बताया, एक जनरल इंट्रोडक्शन है आज हम देखेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। आप लिख सकते जनरल इंट्रोडक्शन, आप लोग लिख सकते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अगर कैपिटल में लिखते हैं तो मैं कैपिटल में लिख दूंगा, आपको समझने के लिए जनरल इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION
सामान्य सो क्या बोलते हैं सामान्य परिचय परिचय कैसा ही है ना मेरा सामान्य परिचय। आज हम देखेंगे मैंने सबसे पहले बताया बाइबल ऐसे होल टोटल बाइबल के बारे में हम सीख रहे एक एक चैप्टर एक एक वर्ड्स का वो तो धीरे धीरे हम अगर परमिशन देते तो हम सीखेंगे मगर मेनली हम सीखेंगे एक जनरल बाइबल ऐसे होल। और सबसे पहले समझना ये बाइबल क्या है आपका आपको क्या लग रहा है बाइबल बाइबल में क्या है क्या है बाइबल किस लिए लिखा है क्यों लिखा है बाइबल क्या होता है इंग्लिश में लिखने वाला लिख सकते हैं बाइबल क्या है रिटन रेवलेशन मतलब है लिखित प्रकाशन बोलते हैं ना आप लोग लिख सकते हैं लिखित प्रकाशन। बाइबल क्या है बाइबल इज द रिटन रेवलेशन ऑफ हिज विल टू ह्यूमन बीइंग्स परमेश्वर का जो इच्छा है उसके बारे में लिखा हुआ प्रकाशन है बाइबल। लिख समझ में आ गया लिखने आल भी लिख सकते हैं लिखो बाइबल इज द रिटन रेवलेशन ऑफ हिज विल टू ह्यूमन परमेश्वर का जो इच्छा है वो मनुष्य को देने वाला लिखित प्रकाशन है बाइबल। समझ में आ गया परमेश्वर का इच्छा है गॉड्स विल इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स विल परमेश्वर की इच्छा है वो किसके बारे में मनुष्य के बारे में जो परमेश्वर का इच्छा है उसका एक रिटन रेवलेशन है लिखित प्रकाशन है बाइबल। ये हमें सबसे पहले समझना परमेश्वर कुछ इच्छा है हमारे बारे में परमेश्वर कुछ इच्छा है वो इच्छा हमारे बारे में जो इच्छा है परमेश्वर ने लिख रखा है वो लिखित प्रकाशन है हमारे पास जो बाइबल। समझ में आ गया उसमें से दो बातों में समझना एक तो परमेश्वर का एक इच्छा है हमारे बारे में वो परमेश्वर को बोलने के लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा है लिख रखा और रिटन रखा ये हमें शुरू से लेकर अंत तक की बातों को समझना बाइबल इज द रिटन रेवलेशन ऑफ हिज विल टू ह्यूमन बी मनुष्य को मनुष्य के बारे में परमेश्वर की क्या इच्छा है इच्छा का लिखित प्रकाशन है बाइबल। बाइबल के शब्द के बारे में आप जानते हैं बाइबल का शब्द का शब्द कहां से आया बिब्लिया करके एक शब्द से आया बिब्लिया बी आई बी एल आई बिब्लिया का मतलब क्या है पुस्तकों का संग्रह हां संग्रह करके बोल सकते हैं मगर हम बाइबल स्टडी में जाएंगे तो थोड़ा सा और सिंपली बता देंगे आप लोग देखोगे स्क्रॉल देखोगे ऐसे सो क्या बोलते हैं इसे हम फोल्ड फोल्ड करके रखें कैलेंडर जैसे कैलेंडर होते हैं हम ऐसे करके रखें उसको क्या बोलते हैं स्क्रॉल बोलते हैं एस सी आर ओ एल एल उसको क्या बोलते हैं जैसे हम चीज है ना ऐसे फोल्ड करके रोल उसको क्या बोलते हैं मलयालम में चुरुल बोलते हैं चुरुल मलयालम में चुरुल बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं स्क्रॉल हमें जब जाएंगे स्क्रॉल मोड़ आपको समझ में आ गया पुराना नियम में कैसे था ऐसे रखने वाले चीजों को क्या बोलते हैं ऐसे कोई चीज है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं मुड़ा नहीं है कुछ कुछ नाम शब्द जरूर होगा देखना इसमें भी देखना है मैं डिक्शनरी खोल कर रखा है हिंदी डिक्शनरी खोल कर रखा वो भी देखना थोड़ा सा यही हो इसको बोलते हैं पहले समय पर ऐसे चीज मिलते थे उसको बोलते स्क्रॉल बोलते हिंदी में इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देखना ऐसे करके रखते थे अगर पढ़ना है तो ऐसा क्या बोलते हैं बिब्लिया का शब्द का जो वर्ड का मीनिंग है चुरल स्क्रॉल समझ में आ गया एक स्क्रॉल है ऐसे था वो उसी स्क्रॉल को ही एक शब्द बोलते थे बिब्लिया उसी बिब्लिया से कौन सा शब्द आ गया बाइबल समझ में आ गया स्क्रॉल कोई एक डाउट है तो आपने मुझे साथ साथ पूछना भी है ठीक है इसका ऑथर ऑथर को हिंदी में क्या बोलते हैं लेखक लेखक कौन है नहीं लेखक लेखक इसिया 34 का 26
एसया 34 का 16, 26 नहीं 16, एसया यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। हाँ, एक और पढ़ना बेटा। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। किसका पुस्तक में? यहोवा की पुस्तक। किसका पुस्तक में? यहोवा की। हाँ, ये बाइबल में, बाइबल का बारे में लिखा है, यहोवा का पुस्तक। हिंदी इंग्लिश बाइबल भी पढ़ेंगे। इंग्लिश बाइबल भी पढ़ेंगे। यशायाह 34:60। सीखे आउट ऑफ द बुक ऑफ द लॉर्ड एंड बुक ऑफ द लॉर्ड। इधर लिखा है बुक ऑफ द लॉर्ड, बुक ऑफ द लॉर्ड। लिखने वाला लिख सकता है इसका ऑदर का बुक ऑफ द लॉर्ड है, मतलब लिखने वाला का नाम भी क्लियरली लिखा है। किसने लिखा है? यहोवा, बुक ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, एक इसका इसका ऑदर आप लिख सकते हैं, इसका ऑदर क्या है? लेखक, लेखक ऑदर। ऑदर कौन है? यहोवा, मतलब यहोवा का पुस्तक में देखो। देखने के बाद क्या नहीं मिलेगा? पढ़ेंगे यहोवा का पुस्तक में देखो। And read, no one of this shall fail. No one of this shall fail. हाँ, आगे। No, none shall want her maid for my mouth hath commanded and his spirit hath gathered them. हाँ, हिंदी में भी पढ़ेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। इस यहोवा का पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, मतलब इसका ऑथर है यहोवा परमेश्वर। हाँ, ढूंढकर पढ़ो। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहे, बिना पूरे हुए कोई भी बात इसमें ना रहेगी। हाँ, आगे। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। हाँ, जोड़ा बिना नहीं रहे, मतलब हर एक चीजों में एक जोड़ा है बाइबल में। समझ में आ गया? हर एक वजन का एक जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो, मतलब कोई भी वजन लिखेगा तो इसका कनेक्शन होने वाला वजन कहां पर मिलेगा? इसमें मिलेगा। इसलिए बाइबल का अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं, ताकि कोई भी वजन बोलेगा तो इसका एक जोड़ा मिलेगा। जोड़ा मिलेगा। जोड़ा का मतलब है दोनों बराबर होता है। एक एक जूता बनेगा तो एक जूता का बराबर होता है दूसरे वाला होता है ना, जोड़ी जोड़ा जोड़ी होता है। वैसे तो यहोवा का पुस्तक में ढूंढेगा तो कभी भी कोई पूरा नहीं हुआ नहीं मिला, मतलब इंग्लिश में लिखा नॉट फेल, इसमें कोई फेल हुआ कोई बात नहीं। और दूसरे बात है, हर वचन के लिए एक जोड़ा बाइबल में मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और इसलिए ये वचन का ओदर का, ओदर का लेखक के बारे में पता चल गया था, ये कौन है? यहोवा। इसका अंदर हमारे लिए क्या क्या चीज चाहिए, सब कुछ इस बाइबल में है। हमारे लाइफ में क्या क्या चाहिए, हर एक चीज इस बाइबल में हमें मिलेगा। हालेलुया। दूसरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन है, ये क्या है? लिखेंगे दूसरे तिमथी 3:16-17। दूसरे तिमथी का 3:16-17 एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। सबसे पहले मैंने बोल दिया इसका लेखक परमेश्वर है, ठीक है, यहोवा का पुस्तक। बाइबल के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला है ये यहोवा का पुस्तक है। अभी प्रेरित पौलुस ने क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे दूसरे तिमथी 3:16-17। सेकंड तिमथी चैप्टर 3:16 से भी दोनों आप लोग सीखें। हाँ, पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। आप सबसे पहले ये कहां कैसे रचा गया? परमेश्वर का प्रेरणा से। इंग्लिश में दूसरे एक शब्द इस्तेमाल किया, पढ़ेंगे इंग्लिश में। All scriptures is given by inspiration of God. हाँ, मतलब God inspired. English Bible में दूसरे कोई वर्षों में पढ़ना? अच्छा, आप लोग ये पढ़ रहे हैं। मैंने बाइबल में क्या लिखा है? All the scriptures inspired by God. मतलब कोई भी वचन है, प्रेरित पौलुस ने तिमोथियस कलीसिया को बोल, तिमोथियस को बोल रहे हैं, हर एक वचन पवित्र शास्त्र किसका प्रेरणा से रचा गया है? God inspired. एशिया भविष्यवाणी ने क्या बोला है? यहोवा का पुस्तक। समझ में आ गया? और इसमें एक किस लिए वचन पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गॉड इंस्पायर्ड वचन है। कोई एक व्यक्ति अपना इंस्पिरेशन से लिखा नहीं। अभी हम लोगों को कोई पोएम लिखा है, किसका इंस्पिरेशन मिलता है? हमारा अपना इंस्पिरेशन से लिखते हैं। कोई समझ लो, अगर कोई आपने कोई ट्रैवल के लिए गया और ट्रैवल का जो भी कुछ लिखने के समय पर आपका जो इंस्पिरेशन होता है वो इंस्पिरेशन आप लिखते हैं। सब लोग अगर हमें कोई लिखने के लिए बोलेगा तो हम सब लोग अपना इंस्पिरेशन लिखते हैं। मगर ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसका
इंस्पिरेशन से मिला, गॉड इंस्पायर्ड, ठीक है। परमेश्वर का इंस्पायर्ड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रेरणा। परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया, ये किस लिए रचा गया आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ सोलह का, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने, किस लिए उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, धार्मिकता का शिक्षा के लिए। बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है किस लिए? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा। एक बार पढ़ो इसमें 316, वो बाइबल हाथ में ले लो। All the scriptures is given by inspiration of God. परमेश्वर का इंस्पिरेशन से मिला हुआ। आगे And is profitable for doctrine. Profitable for doctrines. For reproof. For correction. Correction. For instruction. Instruction. And righteousness. Unrighteousness. इतना ही बात है, ठीक है। अब अलविन बाद में घर पर जाके नोट लिस्ट तैयार करना। पांच बात के लिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का प्रेरणा से भजन दिया है। ये आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रखिए। लिखने अगर लिखा नहीं तो आप घर पर भी जाके इसका लिख सकते। समझ में आ गया? अरे जिस बोलने की जरूरत है क्या लिखने के लिए? अपने आपको नोट तैयार कर सकते हैं ना, अपने आपको नोट कर लेंगे ना अशोदा, अपने आपको करेंगे ना, जो आप रेफरेंस छोड़ लिखे, थोड़ा सा गैप छोड़ना, आप घर पर जाकर लिखना एक ही दिन, तभी ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। हाँ भैया, और एक बात कहूंगा, दूसरे एक वचन भी इसका साथ साथ वो भी लिखना, दूसरे पत्रस पहले अध्याय 21, दूसरे पत्रस सेकंड पीटर, दूसरे पत्रस पहले अध्याय 21 का वचन, ये दो ही वचन है। वचन क्या है कैसे लिखा करके लिखने वाला, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, दूसरे पत्रस पहले अध्याय 21 में पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा, भक्त जन पवित्र आत्मा का द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। समझ में आ गया, दो ही वचन समझना, दूसरे तिमोथियस 3:16-17, दूसरे पत्रस पहले 21, दोनों आप लोग मेमोराइज करना, ताकि ये मनुष्य को ओर से वचन नहीं आया, क्योंकि मनुष्य को ओर से वचन नहीं आया, परमेश्वर का प्रेरणा से आया, उसको उसके बारे में बोलने वाला वचन। अभी हम सीखेंगे, ध्यान रखना, अगर लिखा है तो मैं थोड़ा सा मिठा रहा है। ये परमेश्वर का वचन कभी भी हम इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, हमें अच्छा से समझना, वी आर नॉट लर्निंग बाइबल फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जानकारी। हम लोग जानकारी के लिए नहीं बाइबल पढ़ते, फिर किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नॉट इंफॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बोलते हैं? रूपांतर, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, किसके लिए करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं। मतलब है ये हम केवल कुछ चीजों का ज्ञान के लिए नहीं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बाइबल पढ़ना। ये मेनली हमें बाइबल पढ़ने से पहले समझने वाली बात है, आती है थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, कभी नहीं सोचना ये ज्ञान लेने वाला किताब नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला किताब है। बाइबल कभी भी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे आज हम लोग अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। किसान का जो संगठन कहाँ तक हो गया, आज कुछ नहीं हुआ, पांचवीं बार भी हुआ था कुछ नहीं, हाँ ठीक है। मगर वैसे नहीं, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश शब्द भी आप लोग समझ रहे हैं, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब केवल जानकारी के लिए नहीं है, हमारा रूपांतर के लिए बाइबल हमें पढ़ना। इसलिए बाइबल हम पढ़ने के लिए शुरू करेगा, आप लोग पढ़ते बाइबल पढ़ते ऐसे नहीं है, बाइबल हम अभी सिस्टमैटिकली थ्रू आउट द बाइबल उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ेंगे। पढ़ने के समय पर कभी भी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना, फिर किसके लिए पढ़ना? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। हमारा बाइबल का पढ़ाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हम बाइबल पढ़ने के समय पर दो तीन बात है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। सबसे पहले बात है रीडिंग विद द इंटेंशन, एक इंटेंशन, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के लिए हमें पढ़ना। इंटेंशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मकसद, एक मकसद के साथ पढ़ना, रीडिंग विद एन इंटेंशन। अब लिख सकते हैं एक मकसद के साथ पढ़ना, इंटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, INTENTION
T-I-O-N, reading with intention. Intention का साथ पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? Transform हो जाएगा. ऐसे हम पढ़ने का ठीक है आज थोड़ा सा देखेंगे यार आज कुछ क्या देखेंगे वैसे करके पढ़ना नहीं है. एक इंटेंशन का साथ हम पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? परमेश्वर हमें इंस्पायर करेगा, परमेश्वर इंस्पायर करेगा, प्रेरणा करेगा, हम ट्रांसफॉर्म. तीन बात है. सबसे पहले इंटेंशन. इंटेंशन करेगा तो क्या होगा? इंस्पिरेशन मिलेगा. इंस्पिरेशन करेगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म. समझ में आ गया? सबसे पहले बाइबल पढ़ने के समय पर एक इंटेंशन के साथ है, एक लक्ष्य के साथ पढ़ना, उसी समय पर वो हमारा अंदर प्रेरणा करेगा, हम ट्रांसफॉर्म हो जाए. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतना क्लियर? क्लियर हो गया सब लोग? क्लियर सविता? क्लियर? ठीक है. इसलिए हम लोग सीरियसली बाइबल पढ़ते हैं. सीरियसली बाइबल पढ़ना मतलब ऐसे नहीं वो हम पढ़ने के समय पर हमारा पूरा ध्यान, सबसे पहले समझना इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, किसके लिए पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. अगर जब एक इंटेंशन के साथ सीरियसली पढ़ने के समय पर वो वचन हमारा अंदर कार्य करेगा और हम क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, अलमेंट लिख रहे हैं ना, नोट्स लिखना. ठीक है. और कोई भी किताब के बारे में हम पढ़ेगा तो हर एक किताब को एक थीम, थीम को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विषय. विषय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थीम. एक थीम है हर एक किताब का, एक थीम हो तो कोई भी हम इंग्लिश में भी स्कूल का इंग्लिश में भी पढ़ेगा तो एक थीम होता है, विषय होता है ना, विषय. इस बाइबल का विषय क्या है? एक विषय है. एवरी बुक हैज अ थीम. बाइबल का थीम क्या है? बाइबल का विषय क्या है? या तो बाइबल के विषय में विषय कौन है? यीशु मसीह. बाइबल का थीम कौन है? जीसस क्राइस्ट इज द थीम ऑफ द बाइबल. आप लिख सकते हैं जीसस क्राइस्ट इज द थीम ऑफ द बाइबल. बाइबल का विषय कौन है? यीशु मसीह. अभी आपको लगेगा उत्पत्ति में यीशु मसीह है क्या? उत्पत्ति का विषय यीशु मसीह है क्या? बताओ. नरगमन में यीशु मसीह है क्या? हम बाइबल पढ़ कर देखा तो मलाखी मीका में यीशु मसीह है क्या? मेलबे क्या लग रहा है? बाइबल का विषय यीशु मसीह है. ये हमें समझना, बाइबल का हर एक किताब में किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह. इसलिए हर एक किताब का एक थीम होता है, एवरी बुक हैज अ थीम. ऐसे तो द थीम ऑफ द बाइबल इज जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह है बाइबल का थीम, बाइबल का विषय. ठीक है. पुराने नियम में यीशु मसीह एक छाया है, नए नियम में रियलिटी या तो सिंबॉलिक. सिंबॉलिक हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश देखना बेटा. पुराने नियम में सिंबॉलिक करके आता है और नया नियम में रियलिटी. सिंबॉलिक का एक देखना ओल्ड. अभी मैं पुराने नियम को ओटी लिखते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट या तो पुराना नियम. ठीक है, पुराना नियम है प्रतीकात्मक. लिखो पुराना नियम में यीशु मसीह क्या है? प्रतीकात्मक है. प्रतीकात्मक या तो इंग्लिश में बोलेगा तो सिंबॉलिक लिखते हैं या तो प्रतीकात्मक. सही है क्या? प्रतीकात्मक. पुराने नियम में यीशु मसीह प्रतीकात्मक है, डायरेक्ट नहीं है. यीशु मसीह कहां पर है? पीछे है, एक छाया है. ठीक है. और नया नियम में, नया नियम में यीशु मसीह रियल. रियलिटी का इंग्लिश में थोड़ा सा देखना बेटा, सच्चाई. क्या बोल रहे हैं? पुराने नियम में यीशु मसीह प्रतीकात्मक है, नया नियम में यीशु मसीह वास्तविकता. वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक. समझ में आ गया? मतलब पुराने नियम में भी हो, नया नियम में भी हो, विषय यीशु मसीह है. पुराने नियम में डायरेक्ट नहीं दिख रहे, पुराने नियम में डायरेक्ट नहीं है, पुराने नियम में यीशु मसीह सिंबॉलिक है. अभी मैं आपको आपको तो नहीं पता है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ. सिंबॉलिक काफी चीज हम सिंबॉलिक लिखते हैं. सिंबॉलिक जानते हैं, सिंबल का चिन्ह का रूप से लिखते हैं. अगर म्यूजिशियन है तो आप ये लिखना नहीं. म्यूजिशियन है तो मैंने ऐसे लिख दिया. आप में से कौन बता सकते कौन सा नोट है? मैं बताओ. हमें बताओ, उनको पता है. फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सा है? ई है. आपको नहीं पता है, ये सिंबल है. अब लिखा नहीं, ये ई है. मुझे पता है ई है, ये सिंबॉलिक है. समझ में आ गया? वैसे है तो हमें शॉर्ट हैंड करके एक सीखते हैं. शॉर्ट हैंड में डॉट होता है, इसको बोलते हैं काफी चीज चिन्ह होते हैं. जैसे कोई प्रचार करते हैं, पत्रकार होते हैं, ये लोग स्टेनोग्राफी सीखते हैं. स्टेनोग्राफी सुना है? स्टेनोग्राफी मैंने बाद में भी थोड़ा सा पढ़ा था मगर भूल गया. और जब से मैं लेक्चर करेगा तो स्टेनोग्राफी करने वाले क्या करेंगे? आराम से वहीं बैठकर, मैं अभी जितना बोल दिया
ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद जब टाइप करने का समय उनको पता है क्या लिखा है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। समझ में आ गया, सिंबॉलिक। पुराने नियम में यीशु मसीह सिंबॉलिक। पिछले दिन हम लोग मिलाप वाला तंबू के बारे में सीखा था। कितने लोगों देखा था वीडियो? देखा था बेटा, मैंने मिलाप वाला तंबू का क्लास उसमें दिया। वो कौन है? यीशु मसीह। मगर पुराने में लिखा है क्या ये यीशु मसीह करके लिखा है? नहीं, मगर एक्चुअली क्या है? यीशु मसीह। इसलिए उसको बोलते हैं सिंबॉलिक। पुराने नियम में यीशु मसीह सिंबॉलिक है, नया नियम में यीशु मसीह वास्तविक। ठीक, इतना समझ में आ गया। अभी बाइबल एक्चुअली लिखा है यीशु मसीह को रिवील करने के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो बाइबल इज रिटन टू रिवील जीसस। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील, आर ए वी ई एल। इसका हिंदी थोड़ा सा देखना बेटा, प्रकट करना। यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए बाइबल लिखा गया। समझ में आ गया? बाइबल इज रिटन टू रिवील जीसस। यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, आपने लिख सकता है यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए लिखा हुआ किताब है बाइबल। अभी मिला हुआ था तंबू, क्लास आया था ना, क्लास देखा था, वीडियो देखा था, देखा नहीं? देखा। समझ में आ गया वो क्या? यीशु मसीह है। मगर यीशु मसीह को हमारे पास रिवील करने के लिए, प्रकट करने के लिए लिखा हुआ, बनाया हुआ एक बात था मिलाप वाला तंबू टैबरनाकल। आप लोगों को वीडियो देखना, उस क्लास का वीडियो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, क्योंकि कुछ लोग आए भी थे। समझ में आ गया? सिंपल बात हमें समझना, ये बाइबल का मतलब है यीशु मसीह को हमारा सामने प्रकट करना, वही किताब है ये बाइबल। सबसे पहले समझ, इसलिए नया न्यू जनरेशन चर्चेस वाले बोलते हैं पुरानी फेंट करके बोलेगा तो समझना, उनको एक बात नहीं जानते, यीशु मसीह को रिवील करने के लिए लिखा गया किताब है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नए नियम। तो यीशु मसीह डायरेक्ट आ गए, इसलिए तो ठीक समझ में आ गया। मत्ती सुसमाचार से लेकर लिखे तो यीशु मसीह का बारे में लिखा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं। मगर हम मलाखी में जाए या शमूएल में जाए और उत्पत्ति में जाए, नरगमन में जाए, तो हमारा डाउट आ जाएगा यीशु मसीह है क्या। हाँ, यीशु मसीह को रिवील कर। रिवील का मतलब होता है पीछे है, पर्दा का पीछे है, पर्दा तो हटा दे, इसको क्या बोलते हैं? रिवील बोलते हैं। रिवील से शब्द आ गया रेवलेशन। रिवील से आने आया हुआ शब्द है रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाशित वाक्य की किताब का क्या बोलते हैं? बुक ऑफ रेवलेशन। रेवलेशन मतलब एक चीज था वो क्या करते हैं पूरा हटा के हमारा सामने कर। इसलिए रेवलेशन की किताब में लिखा है मैंने देख लिया। परमेश्वर ने यूहन्ना को बोल दिया मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सब कुछ लिखो। एक चीज था, एक पहले समय पर लोगों को नहीं समझने वाली चीज था, उसको पर्दा हटा है। जैसे हम जानते हैं कोई उद्घाटन है तो मार्बल में लिख रखेंगे इनॉग्रेटेड बाई। जब तक वो आके अपना पर्दा को नहीं हटाएगा तभी तक हम लोग देख नहीं पाएंगे। जो पर्दा हटाने के बाद लिख सका अरे ये तो लिखा है। वैसे तो यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा उसका रेवलेशन है इसी बाइबल। समझ में आ गया? इतना क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछना। डाउट पूछने के लिए मैं लास्ट में ठीक है कुछ समय में मैं आपको दे दूंगा। अभी ये बाइबल का, बाइबल में हम जानते हैं कितने किताब है? 66 किताब। टोटल किताब है 66। टोटल 66 बुक्स है। टोटल 66 बुक्स है। केवल एक बुक नहीं, किताबों का संग्रह आप जानते हैं। दिस इज नॉट ए बुक, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। अनेक किताबों का संग्रह है। 66 किताबों का संग्रह है ये बाइबल। एक ही किताब नहीं, एक ही किताब मतलब कौन सा हो गया? उत्पत्ति, दूसरा निर्गमन, तीसरा लेवी। वैसे करके अब गिनना जाएगा तो लास्ट में प्रकाशित वाक्य तक 66 बुक्स का एक संग्रह। मैंने सबसे पहले बताया बाइबल का मतलब स्क्रोल, एक 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 स्क्रोल था। स्क्रोल अलग अलग रखा था मगर वो स्क्रोल को क्या कर दिया? एक ही साथ आ गया और हमारे पास आ गया। हम लोग बोलते संपूर्ण बाइबल करके बोलते। इसमें से एक और बात हमें समझना, एक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सॉरी प्रकाशित वाक्य तक 1600 साल का गैप है। आप लिख सकते हैं there's a gap of 1600 years between Genesis and Revelation। उत्पत्ति से लेकर, या तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितना साल का गैप है? 1600 साल का गैप। अगर डायरेक्ट बोलेगा तो BC 1500 में से स्टार्ट किया और AD 100 तक हो गया, कितना साल हो गया? 1600। मतलब सो समझ में आया, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट,
ईसा पूर्व 1500 में शुरू किया और कम करके आते हैं। ईसा पूर्व कैसे करते हैं? पीछे गिने जाते हैं 1500, उसके बाद 1499 ऐसे करके पीछे करके एडी 1234 एडी से, मतलब रेवलेशन का किताब कौन सा साल में लिखा है? एडी 100। टोटल कितना साल हो गया 1600 साल का गैप है। मतलब ये समझना, गैप ऑफ 1600 या तो 1600 इयर्स बिटवीन जेनेसिस एंड रेवलेशन। ये टोटल 40 ऑथर्स, लेखक कितने हैं? लेखक ऑथर्स कितने ऑथर्स है? 40 करके लिखो, अराउंड 40 करके हम बोलेगा, मगर 40 करके लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन कौन था पता है? कुछ लोगों के बारे में, इसमें शेपर्ड्स को क्या बोलते हैं? वेटरिया लोग है, और राजा लोग है, फिलोसोफर्स है, फिशरमैन है, मछुआरा है, और थिंकर्स है, प्रोफेट्स है, अलग अलग लोग है। कौन कौन इसमें आते हैं? ये सिंपल हम बता देंगे। गडरिया लोग है, शेपर्ड्स को क्या बोलते हैं? चरवाहा है, चरवाहा लोग है, राजा है, फिलोसोफर्स है, फिलोसोफर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्वचिंतक, क्या बोलते हैं? फिलोसोफर्स, फिलोसोफर लिखना, फिशरमैन, थिंकर्स, प्रोफेट्स, ये सब लोग इसका अंदर। मतलब ये लिखने वाला, ये 40 लोगों में कुछ लोग चरवाहा है, कुछ लोग मछली को पकड़ने वाला है। धीरे धीरे हम एक एक टेस्ट के बारे में पढ़ेगा तो क्लियरली मैं बता दूंगा फिलोसोफर क्या है। नहीं मिला, फिलोसोफर लिखेंगे। और दूसरी बात है, ये बाइबल का खासियत बात है, दिस बुक टॉक टू द पीपल, दिस बुक टॉक्स टू द पीपल, लोगों से बात करने वाला एक किताब है बाइबल। और दूसरे कोई किताब हमसे बात करते हैं? शेक्सपियर का कोई किताब पढ़ा है आपने कभी? नॉवल वगैरह पढ़ा है? किसका नॉवल पढ़ा? हाँ, वो पढ़ने के समय पर हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, मगर वो हमसे बात नहीं करता। मगर केवल एक ही किताब है हमसे बात करने वाला, वो कौन सा किताब है? बाइबल टॉक्स टू पीपल। दूसरी बात है, इसका खास ही एक बात है, इसका लेखक अभी भी हमारे साथ है, जिंदा है। ऑथर स्टिल विद अस, ऑथर स्टिल लिव, मतलब अभी भी लेखक जिंदा है। अभी देखो, महात्मा गांधी का कोई किताब हम पढ़ ली, पढ़ने के बाद जब वो लेखक का मृत्यु होने के बाद उन्होंने क्या क्या सोचा, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। एक व्यक्ति लिखा, लिखने के बाद व्यक्ति अगर मर गया तो उन्होंने क्या सोचा उसी बारे में हमें पता चलेगा? किताब में से जो कुछ लिखा है, कोई अगर सरोजिनी नायडू या तो जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखा, जब जवाहरलाल नेहरू मर गया, मरने के बाद उन्होंने क्या सोच कर लिखा हमें पता चलेगा? पढ़ने के बाद पता नहीं, जो लिखा वही पता चलेगा, जो लिखा उनको पता। इसलिए बाइबल कौन लिखा है? परमेश्वर का प्रेरणा से लिया, परमेश्वर का आत्मा से लिखा गया किताब है, इसलिए इसका ऑथर अभी भी जिंदा है। इसलिए हम व्याख्यान करने से पहले ऑथर से पूछना, अभी समझ रहे, मैंने किताब लिख दिया, किताब लिखने के बाद मैं जब जिंदा है तो आप मेरे पास आकर पूछ सकते हैं, पूछ सकते भैया आपने उसका क्या सोच कर लिखा। देवेंद्र भाई आके मेरे पास आके पूछा, पास्टर जी आपने क्यों लिखा, मैंने बता सकता बेटा मैं ये सोचकर ये लिखा। जब मैं मरने के बाद अगर मैंने एक किताब लिखा तो उसका अर्थ आप किससे पूछेंगे? पूछने से। ये बाइबल का खासियत है, ये उसका ऑथर लेखक अभी भी जिंदा है, वो हमें अर्थ को समझाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग बताया था, ये सीखने से पहले हमें सिखाने वाला बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज होली स्पिरिट। समझ में आ गया? क्योंकि होली स्पिरिट अभी भी है। समझ में आ गया? अभी आपने कोई पिक्चर लिखा, ये तो आलवी ने एक पिक्चर बनाया, एक पिक्चर बनाया, और आलवी से पूछे आलवी ने तुमने क्यों इसे बनाया? हाँ मैं ये सोचकर बनाया। जब आदमी केरला में है या तो मेरे से कोई कांटेक्ट कर नहीं पाएगा, किससे कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। मगर बाइबल का खासियत ये, होली स्पिरिट इज स्टिल लिविंग, परमेश्वर का आत्मा अभी भी हमारा बीच में है। इसलिए बाइबल का बारे में सिखाने वाला बेस्ट टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। हाल भी अभी हम जानते, पिछले हफ्ते भी वो भी बोला था, वो भी बोलकर आज हम समाप्त करेंगे। पुराने नियम में कितना किताब है? ओल्ड टेस्टामेंट 39। अच्छा, टेस्टमेंट के बारे में मैंने बोला, टेस्टमेंट का शब्द जो इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, टेस्टमेंट का मतलब हिंदी में लिखा है पुराना नियम, एक्चुअली नियम नहीं है, वाचा है। वाचा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवनेंट बोलते हैं। ये पुराना वाचा है,
पुराना वाचा है, ये क्या है? नया वाचा है। यीशु मसीह से पहले जो वाचा था उसको क्या बोलते हैं? पुराना नियम बोलते हैं, और यीशु मसीह के बाद जो जितना वाचा है उसको क्या बोलते हैं? नया। ये मैंने सिखाने के लिए, सीखने के लिए एक तरीका मैंने बताया था, ओल्ड टेस्टमेंट का OLD, ये आप लिख सकते हैं टेस्टमेंट, TESTAMENT, पुराने नियम का इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट कितने लेटर है, इसमें कितने लेटर है? तीन लेटर। एक गिन लो कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितना है? इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट को समझने के लिए सिंपल समझना, ओल्ड टेस्टमेंट के लेटर्स को जोड़ना कितना हो गया? 39। अभी न्यू टेस्टमेंट के लिए इसका बीच में एक गुणा डाल देना, 39 are 27, कितना हो गया जोड़ को देखो। पुराने में ओल्ड OLD तीन लेटर अलग लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट लेटेस्ट, इसका लेटेस्ट को जोड़ना, ये प्लस करेगा तो मेरे गलती नहीं, 3 into 9, 39 are 27, 3 9 दोनों जोड़कर लिखना 39। न्यू टेस्टमेंट में 3 into 9, 27 दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 66 समझ में आ गया? इतना समझना, ओल्ड टेस्टमेंट का मतलब यीशु मसीह से पहले का लोगों का परमेश्वर का वाचा, और नया नियम यीशु मसीह का बाद, यीशु मसीह का समय पे क्या हो गया परमेश्वर का जो वाचा है, इसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। ये हमें अच्छा सा समझना, ये दोनों के बीच में गैप क्या होता है, डिफरेंस क्या है, पढ़ेंगे यूहन्ना पहले अध्याय 17, यूहन्ना जॉन पहले अध्याय 17, डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं पुराने नियम और नए नियम का क्या बोलते, डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अंदर, अंदर, पुराने नियम और नए नियम का अंदर। देखो योहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के बारे में, हाँ क्या बोले, इसलिए, इसलिए कि व्यवस्था, हाँ इसलिए कि व्यवस्था नहीं करके बोले, इसलिए कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ, कानून। पुराने नियम क्या होता है, पढ़े एक बार पढ़े, इसलिए कि व्यवस्था, इसलिए कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, मूसा का द्वारा दिया, मतलब पुराने नियम में क्या होता है? लॉ होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। आगे परंतु अनुग्रह और सच्चाई, हाँ दूसरा बात अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ट्रूथ। परंतु क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा क्या बोला? अनुग्रह का इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस एंड ट्रूथ। ये दोनों क्या है? नाइन। ये दोनों का डिफरेंस है, ये ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में कानून होता है, नया नियम में क्या होता है? अनुग्रह और सच्चाई, यही है डिफरेंस। अभी आपको किसी ने पूछेगा तो पुराने नियम क्या होता है, सीधे से बोलना क्या होता है? कानून, नियम होते हैं, नियम है पुराने नियम में। आप देखो नियमों का एक लिस्ट आपको मिलेगा, उधर अनुग्रह के बारे में और सच्चाई के बारे में उधर नहीं लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, क्या बोला है? कानून है। कितने कितने कानून है? 10 आज्ञा, 10 आज्ञा, ये करना ये नहीं करना, 10 आज्ञा जानते हैं आप क्या क्या है? अपने एक ही, सिर्फ एक ही देखेंगे, अपने परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं माना, एक लॉ है। अभी आप देख रहे हो तो 10 आज्ञा है, उसके बाद हम आगे जाएगा तो नूह को परमेश्वर ने बोल दिया एक जहाज बनाना है, तुम उसको अंदर अंदर जाना है, चढ़ना, ये सब कुछ बोल दिया। आदम को हवा को बोल दिया चीजों को मत फल फल मत खाना, ये सारा नियमों का ग्रुप है, कहां पर लिखा है? ओल्ड टेस्टमेंट में। मगर अब नया नियम में जाएगा तो क्या मिलेगा? अनुग्रह और सच्चाई। ये कैसे मिलेगा? ये परमेश्वर का आत्मा का द्वारा हमें मिले, मतलब इतना ही समझना, पुराने नियम का नियमों को परमेश्वर तोड़ा नहीं, वो नियमों को पालन करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा को हमें दे दिया, ताकि वचन का कानून का अनुसार हमें चलना। समझ में आ गया? पुराने नियम में कानून है, एक बार पढ़ेंगे बेटा पहले अध्याय 17 वचन, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। समझ में आ गया? मेन डिफरेंस है पुराने नियम में कानून व्यवस्था, नए नियम में अनुग्रह और सच्चाई। हम नए नियम में है इसलिए हमें अनुग्रह का सच्चाई का बात आ गया, अगर हम पुराने नियम में जिए होते तो ना
9 बजे आएगा तो 9:01 में प्रवेश नहीं तो पुराने के बारे में लो अभी क्या होते हैं अनुग्रह ग्रेस और ट्रूथ हमारा लाइफ में परमेश्वर देते मतलब सिंपल बात बताएगा तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य हमें मिला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिला यही हमारे लिए अनुग्रह का बात है ठीक है आज हम इधर समाप्त करेंगे दस पे थोड़ा सा और बता देंगे और शुरुआत का समय पर बाइबल में चैप्टर अध्याय वगैरह वर्स वगैरह नहीं था आप जानते हैं शुरुआत का बाइबल में अध्याय है चैप्टर वर्स करके अभी हम बोलते हैं यूहन्ना पहले अध्याय 17 पहले लिखना नहीं अध्याय लिखा वचन लिखा पहले ऐसे कुछ नहीं था ये जब प्रिंटिंग का शुरुआत हो गया तभी बाइबल अध्याय और वर्सेस का रूप से अलग अलग करके दिया था सब वो सबसे पहले शुरू किया था एडी 1560 एडी 1560 में है फर्स्ट बाइबल चैप्टर वाइज आगे पहले बाइबल एडी 1560 में आ गया पहले बाइबल अध्याय का साथ आए हुआ सबसे पहले बाइबल है अध्याय का साथ गया है उसको बोलते ये 16th century इसको बोलते हैं जेनीवा बाइबल इसके बारे में आप होमवर्क करना घर पर जाकर जेनीवा बाइबल का एप्लीकेशन वगैरह भी मिल सकते हैं इसको बोलते हैं जेनीवा तो सबसे पहले जो बाइबल है अध्याय चैप्टर वगैरह करके आया समझ में आ गया अध्याय वचन वगैरह आ गया चैप्टर बाइबल का जो शुरुआत का है एक जेनीवा बाइबल करके बोलते हैं उसका एक और बाइबल है वो आप लिख सकते हैं एडी 1228 में स्टीफन लैंटन इसके बारे में आपको खुद घर पर जाके पढ़ना स्टडी करना स्टीफन लैंटन ये आपको होमवर्क है स्टीफन लैंटन उन्होंने चैप्टर का शुरू किया वो 1550 में वर्सेस आ गया वर्सेस का मतलब वजन वजन वैसे आ गया इसमें काफी लोग था नाम मैं बता दूंगा आप लिख सकते हैं रॉबर्ट स्टीवनसन आप ये सब के बारे में आप घर पे जाके आराम से स्टडी कर सकता है मैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना समझना पहले बाइबल में अध्याय वचन वगैरह जैसे नहीं था मगर बाद में ये कंसोलिडेट किया है और बाइबल में कितना चैप्टर है इतना चैप्टर अध्याय चैप्टर कितना है 1179 चैप्टर्स है और वाक्य कितने बताए वाक्य 31,373 इतना वेस वचन है काफी लोग इसमें से एक ही व्यक्ति के नाम मैंने बोल दिया रॉबर्ट स्टीफन्स इतना समझना बाइबल का शुरुआत में अध्याय वचन वगैरह ऐसे करके अलग अलग नहीं था बाद में वो सब कुछ बनाया था फर्स्ट जो बाइबल चैप्टर और वर्स का दोनों जो मिक्स करके आया उस बाइबल का नाम है जेनीवा बाइबल और चैप्टर बाइबल आ गया 1228 और वर्सेस का साथ वजन का साथ आ गया रॉबर्ट स्टीफन काफी सारे लोगों ने इसमें से एक व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया था और आपको कोई आज के क्लास का बारे में कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आज के क्लास में जो कोई अगर डाउट है अगर आपको कुछ इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मैंने सबसे पहले बता दिया बाइबल का स्टडी जैसे नहीं है एज ए बर्ड्स व्यू अच्छा वो कालिंद कुछ में एक एक वीर होता है उसको क्या बोलते हैं देवेंद्र भाई जानते होगा तो क्या बोलते हैं हाँ उसका एक नाम भी है मैं भूल गया कुछ ऐसे कुछ बर्ड्स व्यू ऐसे करके कुछ नाम है उसका कुछ नहीं ठीक है आज के क्लास के बारे में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं प्रार्थना कर समाप्त कर कोई भी आज के क्लास का रिलेटेड ठीक है दो दिन बाद हमें अच्छा सा समझना बाइबल पढ़ने का मकसद ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर सामर्थ्य के बारे में हमें जानना है अगर नहीं जाए अगर इसके बारे में जानकर नहीं तो फटक जाएगा नहीं फटकने के लिए हम क्या करना पड़ा प्रार्थना करना प्रभु जी आपका वचन मुझे सिखाना है और हमें सिखाने वाला कौन है पवित्र आत्मा दो ही बात है पवित्र आत्मा से डायरेक्ट भी सीख सकते हैं पवित्र आत्मा से सीखा हुआ लोगों के द्वारा भी सीख सकते हैं और वजन का जनरल आइडिया मैंने बताया और सिंपल बात है परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया किताब है मनुष्य का प्रेरणा से नहीं यशिया भविष्य ने क्या बोला है परमेश्वर यहोवा का किताब ठीक है जो कुछ डाउट है तो पूछना
डाउट नहीं है तो वो भी बोल। आज का किताब में जो जो आज हम लोग क्या क्या सीखा उसके बाद, इसके बाद हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगले संडे आने से पहले आप उत्पत्ति का, अभी हम बाइबल पढ़ेंगे तो थ्रू आउट द बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर एक एक किताब थ्रू आउट द बाइबल पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़ना जरूरी होता है उत्पत्ति का किताब सब लोग पढ़ना, इसी हफ्ते आप लोग आराम से पढ़ना, एक दो तीन चैप्टर कम से कम पढ़ना, और अगले हफ्ते भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन हमें करना है कैसे कैसे है वो मैं अगले हफ्ते बता दूंगा, अगले संडे बता दूंगा, और आपको कोई डाउट है तो पूछ, डाउट है तो जरूर पूछ, डाउट रख के नहीं जाना, कभी भी आपको डाउट है तो या तो घर पे जाके अगर डाउट आएगा तो आप डाउट लिख के रखना, और बाद में भी पूछ सकते हैं, अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, कोई डाउट क्लियर, हाँ क्लियर, और देवेंद्र भाई कोई डाउट है तो पूछना, उत्पत्ति की जो बुक है उसमें वो जो स्टार्टिंग में है कि इसका बेटा ये इसका बेटी है, हाँ उसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, हाँ हमारा सोच है, वो किताब में जब आएगा तो बता दो, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोगों को सोच होता है, जैसे मत्ती का सुसमाचार का है शुरुआत में, इसने इनको पैदा किया, इनको इन्होंने किया, नॉर्मल लोग है नहीं बट, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किताब में जब आएगा तो मैं बता दूंगा, नॉर्मली हम हमारा सोच होता है वो ठीक है उसमें अब पढ़ने से हमें क्या, मगर उसमें से काफ़ी चीज़ हमें सीखना और पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के बाद पता चलेगा, कम से कम चार पाँच अध्याय पढ़ के, और कोई डाउट है से पूछना, उधर कानून था वो कानून को फॉलो करने के लिए अनुग्रह और सच्चाई हमें मिले, मतलब सिंपल बात पुराने नियम को फॉलो करने के लिए कानून को पालन करने के लिए एक अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला, वो कहाँ मिला, नया नियम में मिला, वो ये अनुग्रह और सच्चाई नए परंतु नया नियम में अनुग्रह और सच्चाई के बारे में, पुराने नियम में लॉ था स्ट्रिक्ट नियम था, ये करेगा तो वही है नहीं तो मतलब वही है स्ट्रिक्ट नियम था पुराने नए नियम में, तो नहीं नए नियम में अनुग्रह है, इसलिए एक वजन है अनुग्रह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए, हमें अनुग्रह मिला, अगर अनुग्रह नहीं मिला होता तो आज इधर बैठने वाला कोई भी नहीं, अगर पुराने नियम का समय है तो आज सुबह का समय चर्च में आने के लिए कोई, क्योंकि स्ट्रिक्ट नियम होता, धीरे धीरे हम सीखेंगे, पुराने नियम में नियम था, अभी पुराने नियम नए नियम बोले सब नियम नहीं वाचा, ठीक है नियम और वाचा में फर्क क्या है, वाचा मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, जैसे हम लोग बोलते ना जो स्टाम्प पेपर में लिखे दो व्यक्ति आके बोलेंगे तुम्हें ऐसे से करना, ये वाचा है, वाचा नया नियम में शादी भी एक वाचा होता है, कवनेंट एक दूसरे के साथ एक वाचा बांधते हुए नए नियम का शादी कवनेंट, इंग्लिश में कवनेंट बोलते हैं वाचा, क्लियर हो गया, कोई डाउट है श्रद्धा समझ आ गया, ये सारे लिखना भी है घर पर जाकर, जो रेफरेंस लिखा उसके नीचे आप घर पर जाकर पढ़ना, पढ़ने के बाद आप खुद इसका नोट्स तैयार करना, और मैंने जो जो कुछ बात बताया अगले क्लास में मैं आपको भी बताऊंगा आपने क्या क्या स्टडी करके आया, आप मुझे भी बताया ताकि मैं भी थोड़ा सा सीखेंगे आप, मतलब जो जो कुछ आपने जिनेवा बाइबल मैंने बताया जिनेवा बाइबल करके मैंने छोड़ दिया, आप जिनेवा बाइबल के बारे में स्टडी करना, आजकल सबके पास फोन है गूगल में सर्च करना जिनेवा बाइबल क्या है और कब आया था और उसका अंदर क्या क्या चीज़ था, वो आप मुझे बता, मुझे भी टाइम है देखने के लिए, मगर मैं आपको दे रहा हूँ, और स्टीफन लैंगटन आप देखना वो चैप्टर वाइज किया था वेसेस के बारे में, रॉबर्ट स्टीवनसन और काफ़ी लोग इसके साथ साथ था, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, और आप लोग अपने तरफ से स्टडी करना ताकि हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचते कि आपने कुछ मैंने कुछ पढ़ाया आपने कुछ पढ़ लिया वैसे ऐसे नहीं, इसमें से थोड़ा सा और हमें ज़्यादा जानकारी के लिए खुद हम स्टडी कर सकते हैं, मगर मेन मेन बात मैंने आपको बताया वो बातों को अच्छा सा समझ लें, कोई डाउट और कोई डाउट क्लियर क्लियर, ठीक है हम प्रार्थना करके आज हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे अमित प्रार्थना, आमेन आमेन।